जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉजिटिव चेंज। आज का हमारा टॉपिक है थॉट्स यानी ख्यालात। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपना एक ज़ाती ख्याल शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे पहली यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद आया। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, ताकि मुझे कुछ सीखने और सिखाने का मौका मिले। थिंकिंग इज़ द हाईएस्ट फंक्शन वी आर केपेबल ऑफ। ख्यालात ही इंसान का तुर्रा इम्तियाज़ हैं। अगर हम देखें तो सिर्फ एक ख्याल की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया गया। इसी तरह इबलीस शैतान में तब्दील हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें तो एडिसन के एक ख्याल ने इस पूरी दुनिया को रात के वक्त के लिए रोशनी दी। और अगर आप जहाज़ों की यानी कि एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री बेसिकली राइट ब्रदर्स के ख्याल का नतीजा निकली। ख्यालात की दो सोर्सेज हैं, पहला सोर्स अल्लाह ताला और दूसरा सोर्स हमारा माइंड है। अगर हम कुरान का मुताला करें तो उसमें एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ाल हम हा फजूर हा फतकवाहा कद अफलाहा मन जक्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, जिसके मायने ये हैं कि हम एक ही वक्त में दो तरह के ख्यालात तुम पर नाजिल करते हैं, एक फिस्को फजूर के और दूसरे नेकी के, और उसने फलाह पाई जिसने नेकी को चूज़ किया और वह बर्बाद हो गया जिसने बुराई को चूज़ किया। अब हम बात करते हैं दूसरे सोर्स की, तो दूसरा सोर्स हमारा माइंड होता है। और हमारा माइंड नॉर्मली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होता है, और जिस तरह के हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे ही हमारे ख्यालात होते हैं। अब ख्यालात की नॉर्मली दो अकसाम होती हैं, कुछ ख्यालात पॉजिटिव होते हैं और कुछ मनफी होते हैं। जो पॉजिटिव ख्यालात हैं वो ख्यालात होते हैं जो कि आपको या माशरे को फ़ायदा दें, और मनफी ख्यालात वो होते हैं जो आपको या माशरे को नुकसान दें। अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हमें ये बात समझ आती है कि हर चीज़ दो दफ़ा बनती है, पहले किसी के ख्याल में और बाद में रियलिटी में। तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया में कोई भी ओरिजिनल पेंटिंग नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि ओरिजिनल पेंटिंग तो एक्चुअली पेंटर के दिमाग में बनती है, और जो हम ख़रीदते हैं वो तो डुप्लीकेट पेंटिंग होती है। हमारे ख्यालात के हमारे ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात होते हैं, क्योंकि हमारी सोच हमारे ख्यालात का मजमूआ होती है, और हमारी सोच हमारी पर्सनालिटी डिफ़ाइन करती है, और हमारी पर्सनालिटी हमारी पर्सनल रियलिटी डिफ़ाइन करती है। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर हमारी ख्यालात का मजमूआ पॉजिटिव है और हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिव है तो हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिव होगी, और अगर हमारी पर्सनालिटी नेगेटिव है तो हमारी ज़िंदगी भी नेगेटिव होगी। तो हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हमें उसी तरह के ख्यालात को एंटरटेन करना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसमें आपको कुछ वैल्यू नज़र आई है तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप खैर बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर लौटा देगा। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच।